तो पिछली वीडियो में मैंने तुम सबसे अपनी अपनी फेवरेट पिक्चर का नाम पूछा था। अब काफी लोगों ने बढ़िया बढ़िया मूवी सजेस्ट भी करी, तो उसी रिकमेंडेशन पे आज हम देखने जा रहे हैं वो पिक्चर जो किसी ने सजेस्ट नहीं करी लेकिन जो मैंने 5 बार देखी हुई है। एक बार और हम देखेंगे रॉकस्टार। अब आईफोन 14 और 14 प्लस की बातें हो चुकी है, तो अब आ जाते हैं सच में इंटरेस्टिंग मॉडल्स पे। Let's go Pro। तो Pro मॉडल्स में हर साल की तरह 14 Pro और 14 Pro Max लॉन्च हुए, एक नए डीप पर्पल कलर के साथ, और बाकी ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड कलर्स भी हैं। ब्लू हटा दिया इस साल, यार अच्छा कलर था। अच्छा, इस साल सिर्फ प्रो मॉडल्स को ही नया प्रोसेसर मिला है, A16 बायोनिक, जो 4 नैनोमीटर्स पे बेस्ड है। तो प्रोसेसर की एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे 1 घंटा एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी अगर हम पिछले साल के 13 प्रो और प्रो मैक्स से कंपेयर करें तो। लेकिन इस साल के सबसे बड़े अपग्रेड प्रोसेसर में नहीं है, वो है डिस्प्ले में। शुरू करते हैं नई नॉच से, जिसका एप्पल ने नामकरण किया है डायनामिक आइलैंड, जो बेसिकली एक पिल शेप्ड नॉच ही है। लेकिन वो सिर्फ एक कटआउट नहीं है, इस बार उसके आसपास काफी क्रेजी चीजें हो रही हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर ऐप, और अगर आप उसको मिनिमाइज करते हो या फिर कोई और ऐप खोलते हो, तो म्यूजिक प्लेयर उस नॉच के अराउंड आ जाएगा, जिसके बाद आप उस विजेट को टैप करके डायरेक्टली या तो वही ऐप खोल सकते हो या फिर उसको लॉन्ग प्रेस करके कुछ क्विक एक्शंस एक्सेस कर सकते हो। और ये ऐसे 2 ऐप्स हैंडल कर सकता है। बेसिकली इस साल नॉच सिर्फ एक कटआउट नहीं है, मल्टीटास्किंग का एक बहुत ही कमाल का इंप्लीमेंटेशन है। लेकिन यह चीज अभी एप्पल के खुद के एप्स के लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, थर्ड पार्टी के लिए अभी इसे बेटर बनाया जा रहा है। और डिस्प्ले में इस साल आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आ गया। वैसे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पूरी की पूरी लाइनअप में ही आ जाना चाहिए था। और रिफ्रेश रेट यानी प्रो मोशन भी इस साल अप टू 120Hz तक का ही है, लेकिन डिस्प्ले ब्राइटनेस में इस बार बड़ी तगड़ी चीज हुई है। अब जो डे टू डे लाइफ वाली ब्राइटनेस होती है, जिसे हम टिपिकल ब्राइटनेस कहते हैं, वो तो 1000 nits ही है, और HDR कंटेंट देखते हुए वो 1600 nits तक जाती है। लेकिन अब आउटडोर्स में तेज धूप के नीचे आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स अप टू 2000 nits तक जा सकते हैं, जो अभी तक के किसी भी स्मार्टफोन की सबसे ब्राइट डिस्प्ले है। लेकिन देखना पड़ेगा कि एप्पल इसे इंप्लीमेंट कैसे करता है, क्योंकि इतनी हाई ब्राइटनेस पे ज्यादा देर तक फोन यूज करना पैनल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। कैमरा में भी इस साल काफी बड़े अपग्रेड्स आए हैं। सबसे पहले तो मेन लेंस 48 मेगापिक्सल का हो गया है, जो बेसिकली पिक्सल बिनिंग यूज करेगा, यानी 4 पिक्सल को कंबाइन करके वही 12 मेगापिक्सल की फोटो लेगा। लेकिन पिक्सल बिनिंग से जो ओवरऑल फोटो में नॉइज होती है वो काफी कम हो जाती है, और नाइट शॉट्स भी बेटर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को फुल रेजोल्यूशन यानी पूरे के पूरे 48 मेगापिक्सल में फोटो लेनी है, तो वो भी खींच सकेंगे, उसका भी प्रबंध किया हुआ है। और बाकी अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस को भी इस बार और ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। लो लाइट में काफी इंप्रूवमेंट्स क्लेम कर रहा है एप्पल वैसे। और इस बार सेंसर शिफ्ट यानी एप्पल वालों का OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, उसका भी 2nd generation डाला है, जिससे वीडियोस और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगी और नाइट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बेटर हो जाएगी। और कैमरा में इस बार जूम ऑप्शंस भी बढ़ा दिए गए हैं, 0.5x, 1x और 3x तो था ही, इस बार एक 2x का और डाल दिया है। सारे के सारे ऑप्टिकल जूम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पिक्सल विक्सल नहीं फटेंगे जूम करने पे। फ्रंट कैमरा को भी अपग्रेड किया गया है लो लाइट फोटोग्राफी को इंप्रूव करने के लिए, और इस बार सिनेमैटिक वीडियोस को 4K HDR 30fps तक शूट कर सकेंगे। और तो और लो लाइट फोटोज और वीडियोज के लिए फोटोनिक इंजन भी बनाया है इन्होंने नया का नया, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर का यूज करके फोटोज और वीडियोस लो लाइट वाली उनको बेटर बना देगा। अब इतने सारे लो लाइट इंप्रूवमेंट्स के बाद ना, अगर हैप्पी डेंट जैसी फोटो नहीं खींची लो लाइट में तो बकवास है सब कुछ। और एक नया एक्शन मोड भी आया है वीडियोस के अंदर, अगर उसको ऑन करके वीडियोस बनाओगे तो और भी ज्यादा स्टेबल बन जाएंगी वीडियोस। बाकी पूरी की पूरी 14 लाइनअप के अंदर क्रैश डिटेक्शन है। अगर आप अपनी गाड़ी में हो और अगर वो गाड़ी क्रैश हो जाती है, तो एप्पल इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेगा और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को भी इन्फॉर्म करेगा। और सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी है, अगर आप बिल्कुल ऐसे दूर दराज आइलैंड, पहाड़ या कहीं भी चले गए जहां पे सिग्नल ही नहीं आ रहे, और अगर आपको हेल्प की जरूरत है, तो आपका आईफोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्शन बना के इमरजेंसी मैसेजेस को भेज सकेगा, लेकिन ये फीचर इंडिया में नहीं आ रहा। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो पिछले साल से 10,000 बढ़ा दिया है रेट। तो ये रही सारी की सारी प्राइसिंग। पिछले साल 13 प्रो 1,20,000 से शुरू होता था और 13 प्रो मैक्स 1,30,000 से। भाई महंगे होते जा रहे हैं ये, सांस ले लो पहले तो ये प्राइस देखने के बाद, फिर बात करते हैं। तो यार आईफोन 14 के प्रो वेरिएंट्स सच में बड़े कमाल के लॉन्च हुए हैं इस बार, और अगर कोई 13 सीरीज से भी 14 के प्रो मॉडल्स में आएगा तो उसको डेफिनेटली फर्क फील होगा, स्पेशली उस नॉच की वजह से। और अगर अभी किसी को एक नया आईफोन लेना है तो 14 के प्रो वेरिएंट्स बेस्ट ऑप्शन रहेंगे मार्केट के। हाँ, प्रो मॉडल्स थोड़े से और ज्यादा महंगे हो गए हैं इस बार,
और इतना पैसा एक फ़ोन पे खर्च करना उतना अच्छा डिसीजन नहीं लगता, लेकिन इन्हें एक बार एक्सपीरियंस करना तो बनता है ऑफलाइन स्टोर में ही जाके। सही, बाकी तुमने मेरी बहुत सुन ली, अब तुम बताओ कैसे लगे आईफोन 14 के प्रो और प्रो मैक्स। तब तक यही थी आज की वीडियो, ये रही बाकी वीडियोस, वक्त हुआ तो ज़रूर देखना। मैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स दोबारा से बोल देता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अगली वाली में।